अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है दाल गोश्त। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो मटन लिया, मटन को अच्छी तरह धो लिया है और एक कप चने की दाल। इसे दो घंटे पहले पानी भिगा के रखा था, दाल अच्छी तरह भीग गई, इसका पानी हमने हटा दिया। तो मटन की हम ग्रेवी तैयार करेंगे और दाल को एक अलग प्रेशर कुकर में गिलास हम पानी डालेंगे और एक चुटकी के करीब नमक डालेंगे और ये दाल को डालकर एक से दो सीटी लगा लेंगे। दाल को हमें ज्यादा मैश नहीं करना है, इसे साबुत भी रखना है और ये अच्छी तरह गल भी जाए, बस हमें इतना पकाना है। तो दाल को हम अलग पका लेते हैं और इसकी ग्रेवी हम अलग तैयार करेंगे। प्रेशर कुकर में दो बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे हरी इलायची, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, तेज पत्ता। तीन मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को एक से दो मिनट भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे ये मटन। मीडियम साइज की टमाटरों को बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। अब इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे, तो दो टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टी स्पून नॉर्मल तीखी मिर्ची, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, एक टी स्पून नमक। ये सारी चीजों को दो से तीन मिनट भून लेंगे। एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती, हम कलर के लिए डाल रहे हैं। अब ये सारी चीजों को दो से तीन मिनट भून लेंगे। दो कप डालेंगे हम इसमें पानी, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसका लगा देंगे हम ढक्कन और चार से पांच सीटी हम इसमें लगा लेते हैं। ये आप तब तक गला ले जब तक कि आपका मटन अच्छी तरह गल नहीं जाता। मटन अच्छी तरह गल गया है, ये देखिए। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला जब अच्छे से भून जाए तो इसमें हम डालेंगे ये चने की दाल। तो चने की दाल को हमने अच्छे से पका लिया है, ये देखिए, इस तरह की चने की दाल हमने पका ली है। और ये चने की दाल को डाल देंगे मटन में। चने की दाल डालने के बाद में अब इसे हम थोड़ी देर और भून लेंगे। तो गैस को हम थोड़ा सा मंदा कर लेंगे और मध्यम फ्लेम पर रखकर इसे भूनेंगे कि दाल मैश ना हो, इसी तरह खड़ी खड़ी रहे। चार से पांच मिनट भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लें, जैसी गाढ़ी पतली ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से पानी डाल लें। तो अभी हम इसमें डालते हैं एक गिलास पानी। एक गिलास पानी डालने के बाद में ग्रेवी अभी थोड़ी सी गाढ़ी है, क्योंकि एक दाल गोश्त ना ज्यादा गाढ़ा होता है और ना ज्यादा ये पतला होता है। तो इसमें हम आधा गिलास से थोड़ा सा कम पानी और डालेंगे। डेढ़ गिलास पानी हमने डाल दिया है, अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। गैस को रखेंगे बिल्कुल मध्यम और इसे हम ढक देंगे और ढक कर 8 से 10 मिनट इसे पकने देंगे। तो इसे हम पूरा नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा इस तरह खुला छोड़ देंगे। ये दाल गोश्त बनकर तैयार है। आप इसे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे का बना है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।